अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। तो घर पे बन रही थी मिल्क जेली, एक प्रीमिक्स से हम बना रहे थे, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं, सो दैट आप लोग भी इसे बना सको। तो यहाँ पे आज पे इंस्ट्रक्शन ही सारे इंग्रेडिएंट्स हमने लिए। यहाँ पे मिल्क हमने लिया है 1 लीटर। इसमें मिल्क के बाद इसमें ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं है। शुगर लिखी थी 150 ग्राम, बट जब मैंने मेजर किया कि अराउंड हाफ अ कप होती है। ज़रूरी शुगर ऐसी चीज है जो आप टेस्ट करके कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड ये प्री मिक्स है मिल्क जेली 5 स्टार का, इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी। ये 8 ग्राम का पैकेट आता है जो कि 1 लीटर के लिए मोर देन इनफ होता है। एंड ये वेजिटेरियन है, सो आप लोग इजीली जो वेज है वेजिटेरियंस भी यूज कर सकते हैं। एंड ये मैंगो फ्लेवर में लिया है, इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं। आप सबसे पहले मिल्क क्या करना है, आपको बहुत ही लो फ्लेम पे शुगर ऐड करके बोलना है। ऐसा हम लोग करते हैं, बाकी इसमें से 1 लीटर दूध में से आपको 3 से 4 टेबलस्पून एक्चुअली अलग निकाल के रखना है ठंडा दूध, और इसे लो फ्लेम पे, बहुत ही लो फ्लेम पे आप अच्छे से कुक होने दें। तब तक जब तक ये मिल्क बॉयल हुआ था, मैंने जो दूध निकाल के रखा जैसे आप लोगों को बताया, उसमें मैंने प्री मिक्स ऐड कर दिया एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट लम्स फॉर्म ना एंड कोई खाई भी ना हो जाता। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले सो दैट लम्स ना फॉर्म हो एंड इसे रख दे साइड में, तब तक मिल्क को होने दे अच्छे से बॉयल। तो बहुत ही लो फ्लेम पे मिल्क को होने दिया हमने बॉयल, और उसमें वो जो प्री मिक्स डाला था ठंडे दूध में वो ऐड करेंगे। बट इस स्टेज पे आप लोगों को ध्यान देना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको कुक करना और चलाते हुए जब तक इसे बॉयल ना आ जाए, वरना लम्स फॉर्म हो सकते हैं। इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं चला रही हूँ, कंटिन्यूसली नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा ब्रेक लेके आप चलाते रहे, वरना लम्स ऑब्वियसली फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अच्छे से बॉयल आते हम इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ एंड इसे बहुत मतलब रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने देंगे। रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने के लिए आप इसे सर्विंग बॉल्स में डाल दें। यहाँ पे मैंने सर्विंग बॉल्स में भी डाला है एंड एक बड़े से स्क्वायर कंटेनर में भी डाला है, बिकॉज दैट इज हाउ वी डू घर के लिए बना रहे थे। तो इसीलिए आप लोगों को जैसा भी लगे एंड देन आप जैसे भी जिस भी बॉल में सेट करना चाहते हो उसमें सेट करें। एंड देन आप लोगों को चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड देन आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में सेट होने देना जब तक ये स्टिफ ना हो जाए अच्छा सा, मतलब स्टेबल फॉर्म में, लिक्विड कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने पोर कर दिया है, अब हम इसे होने देंगे ठंडा तब तक ये स्टिफ ना हो। तो यहाँ पे हमारी मिल्क जेली मैंगो फ्लेवर की रेडी हो चुकी है। आप लोग भी ट्राई करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जो आप लोग भूल जाते हो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज एंड बाय एवरीवन।